उपमा बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए, दो आलू लिए हैं, एक टमाटर काट लिया है, चार हरी मिर्चा काटी हैं, एक उच्छी हरा धनिया काटा है, एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच राई, आधी चम्मच उड़द की दाल, आधी चम्मच चने की दाल, सूखी कड़ी लीव्स हैं 5-6, हरी मटर है थोड़ी सी, और 2 चम्मच सिंगदाना है, 1 नींबू का रस है। हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है। सबसे पहले हम आलू भूनेंगे। आलूओं को धो लिया था और छोटा छोटा काट लिया है। एक साइड आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम अभी इधर सूजी भून लेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें तड़का बनाएंगे। पहले हम राई डालेंगे, राई का चटनी लेंगे, थोड़ा हरी मिर्च डाले हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, इन सबको हम मिला लेंगे। हाँ, ये भुन गए, आम सूजी डाल देंगे। सूजी को भून लेंगे। गैस को धीमा कर दिया है, धीमी आंच पे सूजी को भूनेंगे। आलू चल गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। अब मूंगफली दाना डाल रहे हैं, वो चल लेंगे। मूंगफली दाना तल भून गया है, इसे निकाल रहे हैं। सूजी भुन गई है, अब हम पानी गरम करते हैं। पहले दूसरी कढ़ाई में 1 कटोरी सूजी ली है, अब हम 3 कटोरी ये पानी लेंगे। जो हमने नमक निकाला है वो पानी में डाल देंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सूजी डालेंगे। पानी गरम हो गया, हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी डाल दी, इसमें टमाटर भी डाल देंगे जो पानी में गल जाएंगे। हरी मिर्ची, मटर,
अब इसमें आलू मोफली डाल देंगे। हमने एक नींबू का रस निकाल के रख लिया था, वो डाल रहे हैं। उपमा तैयार है, अब इसे सर्विसिंग बाउल में निकाल देंगे। इसे सर्विसिंग बाउल में निकाल रहे हैं। इसमें थोड़े से मूंगफली और हरा धनिया डाल देंगे। उपमा तैयार है। उपमा बनके तैयार हो गया।